वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ बेस या फिर लॉन्ग लास्टिंग बेस किस तरह से बनाएं, वो भी समर्स में, और कुछ ऐसे प्रोफेशनल ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको आज पता चलेगा कि किस तरह से आप लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बेस बना सकते हो और साथ डार्क स्किन पे किस तरह से फेयर मेकअप किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और साथ ही किस तरह से हम बनाएं वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बेस फॉर समर, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समर्स में फाउंडेशन या समर में बेस बनाना इस थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे सर्दियों में बैठ जाती है बेस, अच्छे से लग भी जाता है, पसीना वगैरह नहीं आता, ऑयल इतना ज़्यादा नहीं आता, तो बेस स्टिकी भी रहती है। लेकिन समर्स में एक्चुअली आपका इम्तिहान होता है असली, कि आप कितने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, किस तरह से बेस बना सकते हो। ज़्यादा जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं पार्लर में, वो सब ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से आखिर समर्स में लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाएं, बेस ख़राब हो गई पसीनों की वजह से हट गई, तो इस सब चीज़ों के सोल्यूशन भी बताऊँगी। इससे पहले कि आप कमेंट्स में ये मैसेजेस करना शुरू कर दें कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे के सारे मून टच के हैं, इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्रायलोन और इस तरह के महंगे ब्रांड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये उनके ही टक्कर के मुकाबले के बेसिस है। इन अफोर्डेबल प्राइजेज आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं नंबर भी इनका दे देती हूँ स्क्रीन में और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट्स भी पिन कर दूंगी जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी इनके प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की क्या प्राइजेस हैं वो आप इनके वेबसाइट पर चेक कर लेना या इनको व्हाट्सअप करके। सो जनाब, सबसे पहले बेस बनाने के लिए गर्मियों में खासकर जिनको बहुत ज़्यादा पसीना और ऑयलिंग का इशू है, तो वो क्या करेंगे, आइस क्यूब्स के साथ मसाज करेंगे। ठीक है, आइस क्यूब के साथ फेस का मसाज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पोर्स जो होंगे ना वो श्रिंक हो जाएंगे। जब आपके पोर्स श्रिंक हो जाएंगे ना तो ऑयल आना बंद हो जाएगा और दूसरा पसीना भी कुछ देर के लिए कंट्रोल होगा। लेकिन एक दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप रोज वाटर के आइस क्यूब्स बना के रखते हो तो फेस एक तो टोन भी हो जाएगा और दूसरा अच्छे से उसकी मसाज भी हो जाएगी और ऐसे समझे एज अ नेचुरल प्राइमर का आपका काम हो जाएगा। तो अगर गर्मियों में आप प्राइमर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो, लेकिन प्राइमर स्किप नहीं करना। ठीक है, मैटिफाइंग प्राइमर होना चाहिए आपके पास जो कि ऑयल को कंट्रोल करे और साथ ही पसीने को भी कंट्रोल करे। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया आइस क्यूब से मसाज करना फेस पे। ठीक है, और जब आप मेकअप करने लगोगे क्लींजिंग करने के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। इन केस अगर कोई क्लाइंट है वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, मेरी बेस फट जाती है और बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी का एक छोटा सा चंक था मेरे पास तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इसका पेस्ट बना के अपने क्लाइंट पे अप्लाई करना है। यानी 10-15 मिनट पहले आपने ये प्रोसीजर कर लेना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑयल आता है शदीद किस्म का तो 5 मिनट पहले बस बेस लगाने के या मेकअप करने से पहले आपने ये पेस्ट लगाना है और बाकी आइस क्यूब वगैरह लगा के एंड देन आपने करना है। जी, थर्ड आपका स्टेप होगा मॉइस्चराइजेशन। अब मॉइस्चराइजर आपने सोच समझ कर यूज़ करना है। क्या होता है कि मॉइस्चराइजर हम हैवी लोशन लगा लेते हैं तो वो बेस उसी वजह से भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना हैवी लोशन लगाते हैं तो वो ऑयल तो ऑटोमेटिक आ जाता है फेस पे। तो आपने बिल्कुल जेल टाइप का मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, जैसे पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर आता है वो वाला यूज़ करना है। ठीक है, आपका जब पूरा ये बेस बन गया, ये हमारा ना CTM डन हो चुका है, अब हमारा बेस जो था ना ये क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली प्रिपरेशन करेंगे बेस की। अब मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कहा कि डार्क स्किन पे आप फेयर बेस किस तरह से बना सकते हो। अगर तो आपकी क्लाइंट है उनकी स्किन क्लीन है, नीट है, मीडियम अंडरटोन है, तो आप बिल्कुल उनके स्किन पे जहाँ जहाँ आपको लगे डार्क स्पॉट्स हैं या हल्का हल्का ऑरेंज कलर करेक्टर आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, हल्का हल्का सा। लेकिन अगर कोई डार्क स्किन है बिल्कुल और आप चाहते हो कि उसको हमने बहुत ज़्यादा फेयर बनाना है, तो फिर आपने उसको पूरी फेस पे जो है वो कलर करेक्टर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो ये मैं बेस यूज़ कर रही हूँ ये है मून टच का। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर है, अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा सा करके अप्लाई करना है। जारी सी बात है, अपर लिप्स पर आप अप्लाई करोगे, आप डार्क सर्कल्स वाले एरिया पर अप्लाई करोगे, थोड़ा सा माथे पर अप्लाई कर लो, हल्का सा चिन पर, हल्का सा चीक्स पर अप्लाई कर लो। ठीक है, हल्का सा यानी एक छोटी सी लेयर आपने फेस पर अप्लाई कर देनी है। इससे क्या होगा कि एक आपकी ना प्राइमरी बेस बन जाएगी। अब आप इसके पर कोई भी कलर लगाओगे तो ये कलर जो है डार्क नहीं करेगी आपके फेस पे। ठीक है, या फिर अगर आप ओवर भी व्हाइट कलर का फाउंडेशन लगा लोगे तो ये दोनों पिगमेंट्स मिलके
अच्छा कलर बन जाएगा जो क्लाइंट के फेस पे सूट करेगा। लेकिन ये चीज हमने नहीं करनी क्योंकि एक गलती होती है, ठीक है। हमारा कलर करेक्टर लग गया। अब इन केस आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स इस तरह स्टिक या क्रीम फॉर्म में है, लिक्विड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब आप मिक्स करने लगेंगे तो रगड़ा रगड़ी बहुत होगी, तो आप क्या करेंगे, आपने ले लेना है लूज पाउडर। यहाँ पे मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, मून टच का एंड आइवरी शेड, ठीक है, आइवरी शेड में यूज कर रही हूँ। आपने सिंपली अपना लूज पाउडर जो आपने कलर करेक्टर लगाया हुआ है फेस पे, जो आपने कंसीलिंग की है, उसके ऊपर लगा लेना। अब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर बेस लगाएंगे ना, तो ये कलर और आपका बेस का कलर बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्या करते हैं ना हम लोग, अक्सर कलर करेक्शन लगा लिया और उसके ऊपर फिर फाउंडेशन लगा लिया तो मिक्स हो जाते हैं। देखिए प्रोफेशनल जो होगा वो तो हैंडल कर लेगा, मिक्स नहीं होगा उसका। तो आपने क्या करना है, एक बैरियर क्रिएट कर देना है इन दोनों के बीच में। अब देखिए हमारा ये बेस हो गया कंप्लीट, फर्स्ट बेस जो था वो हमारा हो गया कंप्लीट, कंसीलिंग हो गया, सीटीएम हो गया हमारा सारा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ब्राइडल बेस बना रहे हैं, अगर तो हम पार्टी बेस बनाएंगे तो हम डायरेक्टली कोई अगर फेयर बेस लगाना, क्योंकि आपको पता है कि जब भी लड़कियां सैलून आती हैं तो वो यही एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें फेयर बेस मिले, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कोई फेयर फाउंडेशन लगा लेंगे। लेकिन ब्राइड है अगर, तो आपने क्या करना है, पहले उनके स्किन जैसा फाउंडेशन लगाना है, उनके स्किन जैसा बेस लगाना है। यहाँ पे मैं मून टच का 38 बेस यूज कर रही हूँ, जो कि मेरी स्किन के साथ मैच है, ठीक है। आपने इसको अप्लाई करना है, आराम आराम से इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है बड़ा इजीली, ठीक है। तो आपने कोई हार्ड वाली बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने पाउडर लगाया तो वो बेस बिल्कुल नहीं आपकी सेट हो, आराम से सेट हो जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे आपने सेट करनी है, ठीक है। फिंगर्स के साथ ब्लेंडिंग करें बहुत अच्छा है, अगर स्पंज के साथ कर लेंगे ना, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा ज़ाया होगा, तो फिंगर्स के साथ करें बेहतर है। तो अब क्या हुआ, आपने एक बेस लगा ली कलर करेक्शन वाली, फिर उसके ऊपर आपने उनके स्किन टोन जैसी बेस लगाई। अब क्या होगा, अब दुनिया का जितना सफ़ेद आटा उनके फेस पे भी लगा देंगे ना, तो उनका बेस बिल्कुल ग्रे नहीं होगा, जो ग्रे हो जाता है ना बेस, नहीं होगा ग्रे। और आप इस बात को माने ना माने, ये सैड रियलिटी है कि कोई भी, कि जो भी सैलून में लड़कियाँ आती हैं मेकअप करवाने, वो चेंज चाहती हैं, वो चाहती हैं हमारा कलर फेयर लगे, ठीक है। तो जो लोग ये फजूल कमेंट करने वाले हैं ना, तो भूत बना दिया चिट्टा, ये इतना ज़्यादा तो बेस नहीं लगता, तो आप इस बात को प्लीज़ मत कीजिएगा, मैं उनके लिए बता रही हूँ चीज को लाइक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या करना है, एक फेयर टोन का फाउंडेशन लेना है। यहाँ पे अब मैंने F1 लिया है मून टच के सॉफ्ट बेसिस का, ठीक है। अब ये जितने भी बेसिस है ना, ये मून टच के सॉफ्ट बेस के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, इनका सॉफ्ट बेसिस है। अब जैसे ही इनको टच करते हो ना, ये बड़ा ही क्रीमी इनका टेक्सचर है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है तो इधर उधर, ये अच्छे से स्किन पे चिपक जाते हैं, तो आप इनको इजीली आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका लो बजट सैलून है ना, बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर सकते, तो आपको यही कहूँगी कि मून टच की बेसिस आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, या अगर आप कोई चीज़ नहीं ट्राई करना चाहती हैं तो उसको ज़रूर ट्राई दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बेसिस हैं, वाटर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग है। इनका सबूत मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगी कि आप देखेंगे कि कितनी वाटर प्रूफ हैं, सही है। आपने क्या करना है, बेस को अच्छे से फेस पे बिठाना है, अच्छे से ब्लेंडिंग कर देनी, क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं करते ना, इस वजह से बेस हट जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आपने बेस अप्लाई कर ली फिंगर्स के साथ सब कर लिया, उसके बाद भी जब हम हाथ लगाते हैं तो बेस ट्रांसफर होती है, तो आपने क्या करना है, ड्राई स्पंज लेना है और अच्छे से उसको डैबिंग वाले मोशन में आपने बेस को ब्लेंड करना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने फेस पे इस तरह से करना है। बहुत सारी गर्ल्स बोलेंगी कि हाथ पे तो बेस बनती नहीं है, फेस पे बेस बनती है। देखिए हाथ की स्किन मजीद प्रॉब्लमेटिक होती है, रिंकल्स होते हैं, आपकी रगे नज़र आ रही होती हैं, और जो है डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। तो और बाल भी होते हैं ज़्यादा, तो हाथों की स्किन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है बनिस्बत स्किन फेस की, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी एक मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा गर्मियों में होना ही होना चाहिए बेस के अंदर, अगर आपको वाटर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी मिनरल पाउडर बेस, ये पाउडर बेस भी है जी मून टच की इन आइवरी शेड इन लाइट शेड, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा आप बेसिस नहीं बाय कर सकते, तो अगर आप इनका एक भी ये वाला बेस बाय कर लेते हो ना, तो बहुत फिट रहता है। इनके डिफरेंट शेड्स आते हैं, ठीक है, आप अपने डिफरेंट शेड्स के मुताबिक, फेस के मुताबिक, जो भी आपका टोन है उसके मुताबिक आप सैलून में पूरा इनका सेट लेकर रख सकते हो। उनके अलग अलग ढेर सारे शेड्स आते हैं, तो आप वो शेड ले सकते हो। लूज पाउडर के अंदर शेड्स आते हैं और इनके बेसिस के अंदर शेड्स आते हैं, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से शेड्स लोगे। मेरे पास तो इनके ये 5 शेड्स हैं जस्ट, लेकिन इनके 8 शेड्स हैं बेस में, इनके जो है लूज पाउडर में भी इसी तरह से शेड्स हैं, इनके
मिनरल बेस में भी इसी तरह के शेड है, ठीक है। मिनरल बेस मैंने ले लिया था थोड़ा, उसके अंदर मैंने रोज वाटर डाल दिया। अपना सेटिंग स्प्रे भी डाल सकते हो ज़्यादा मजीद लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा पतला पेस्ट बन गया, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा और डाल दिया अपना मिनरल बेस और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक थिक कवरेज वाली बेस बने। अगर तो आप चाहते हो बिल्कुल हल्की सी पेस्ट लगाएं तो वो बेस को वाटर प्रूफ बना देगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कवरेज भी आए और वाटर प्रूफ भी बने तो आप थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा रखना और पानी थोड़ा कम रखना और अच्छे से बेस को अप्लाई कर लेना, ठीक है। बिल्कुल पेंट की तरह होता है जी, बिल्कुल ये पेंट ही होता है। बहुत ज़्यादा लोग अब बोलेंगे तो पेंट है पेंट है, तो देखिए पेंट की तरह ही होगा। जब आप उसको ब्लेंड करेंगे थोड़ी देर के बाद ये आपके फेस पे सेट हो जाएगा, क्योंकि मिनरल पाउडर बेस वगैरह जो होती है ना शुरू में बहुत ज़्यादा इनकी कवरेज आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आराम आराम से फेस पे सेट होने लग जाती हैं। ये बड़ा ही नेचुरल दिखती है। देखिए कितना फुल और हाई कवरेज फाउंडेशन है, यानी पूरी बेस मुकम्मल हो गई हमारी। अगर आप ब्राइट की बेस बना रही हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगी, लेकिन अगर आप पार्टी बेस बना रही हैं तो आपने जो है क्या करना है कि कलर करेक्शन के बाद जो भी आप बेस लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे एंड देन सिंपली आप उसके ऊपर ये मिनरल पाउडर बेस लगा देंगे, ठीक है। आपने तीन तीन चार चार बेसेस नहीं लगानी, लेकिन अगर आप सिर्फ ये मिनरल बेस भी लगाएंगी ना एक बेस लगा के उसके ऊपर ये, तो बड़ा ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आएगा। दूसरी बात, आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो, यानी कोई बेसेस वगैरह नीचे नहीं बाहर जा रही हैं, भैया बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी इवेंट पर जा रही हैं, या यूं भी आप जो है सिर्फ इसको लगा लेंगी ना तो आपकी बेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जी आपने लूज़ पाउडर अप्लाई करना है या कॉम्पैक्ट पाउडर, आप चाहे लूज़ पाउडर अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लूज़ पाउडर की कवरेज कम होती है तो वो फेस पे सेट हो जाता है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो क्योंकि अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सारे मून टच के, और सारे के सारे जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इनके कि कहाँ से आपने बाय करना है, और दूसरा नंबर भी इनका व्हाट्सअप पे यहीं मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से बाय कर सको, ठीक है। तो प्राइजेज़ वगैरह आप जो भी हैं वो इन्हीं से ही पूछना, मून टच वालों से ही पूछना, मुझसे मत पूछने लग जाना। मैं उनका नंबर दे दूँगी, आप उनसे पूछ लेना प्लीज़। लूज़ पाउडर भी आपने डैबिंग वाले मोशन में अप्लाई करना, देख सकते हैं कि कितनी हाई कवरेज फाउंडेशन बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं सिंपली आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ ये इनका मिनरल बेस है, ताकि आपको पता चले कि इसकी कितनी हाई कवरेज है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस बेस को इस तरह थोड़ा रगड़ने वाले फॉर्म में अगर आप करेंगे ना इसको ब्लेंड, तो अच्छे से इसकी नीट आ जाए, नीटनेस वाला फिनिशिंग इसका आ जाए। देखिए जी ये है वाटर प्रूफ टेस्ट, पानी मैंने इसके ऊपर जला दिया है, थोड़ा सा भी पाउडर, थोड़ा सा भी लूज़ पाउडर या थोड़ा सा भी हांडी बेस, कुछ भी नहीं निकल रहा, और देखिए कितना स्मूथ और अमेजिंग शाइनी लग रहा है। अच्छा, मून टच एक पाकिस्तानी ब्रांड है। अब इंडियन में मेरी वीडियोस बहुत देखते हैं तो पूछेंगे कि इंडिया में मिलेगा, तो इंडिया में नहीं मिलेगा जी, आपको पाकिस्तान में मिलेगा और यह ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको इसको ऑनलाइन बाय करना पड़ेगा, ठीक है। इस इनके हांडी बेसिस में, सॉफ्ट बेसिस में बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, 8 से ऊपर शेड्स हैं, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी शेड बाय कर सकते हो, या अगर आप सैलून रन करते हो तो ये वाले सारे शेड्स बाय करके रख सकते हो। इनका कॉन्टोरिंग शेड है, इनका कलर करेक्शन का शेड है, जो कि ईजिली आप सालों तक यूज़ कर सकते हो, आपको अलग से बेसिस बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एले गर्ल का प्रो कंसीलर है, तो अगर आप कंपेयर करो इसको मून टच के सॉफ्ट बेस के साथ तो गलत नहीं होगा, ये दोनों सेम ही क्वालिटी के हैं, जबकि एले गर्ल का जो है वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। सिमिलरली इनका जो है वो कॉन्टोरिंग का शेड भी बिल्कुल जैसे एले गर्ल का भी आता है, और दूसरा ऐसे भी दूसरे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े जिनके आते हैं, तो आप इनका ये वाला कॉन्टोरिंग शेड भी बाय कर सकते हो। दूसरा येलो बेस जो है, येलो कलर का जो कंसीलर आता है, सिमिलरली इनके पास वो शेड्स भी हैं। इनके मिनरल पाउडर बेस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप बहुत अरसे तक यूज़ कर सकते हो। इनके लूज़ पाउडर की इतनी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, इनमें भी साइजेस आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देख लेना, उनसे पूछ लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और नंबर व्हाट्सअप का आप यहाँ पर चल रहा है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात जो है ना, इनके पास फेशियल की भी रेंज है, आपको बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास। मेरे पास यहाँ पे इनका जो है ना पॉलिशर है, पिंक मिनी साइज़ में है, इसमें भी आपको साइज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बाय कर लेना। अगर आपको लगता है कि हम टेस्ट करना है तो पहले आप छोटा सा साइज़ ले लेना, और फिर देखना अगर आपको रिजल्ट पसंद आते हैं तो आप दूसरे भी इनके प्रोडक्ट्स बाय कर लेना। उसके बाद इनके पास स्किन केयर की रेंज भी है, मॉइस्चराइज़र, फेस पैक्स वगैरह, और इनका जो टिंट है मेरा मोस्ट फेवरेट है। और दूसरा के पास बीबी क्रीम की भी रेंजेस हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। डेली वेयर के लिए आपको लाइट फाउंडेशन चाहिए तो उनकी बीबी क्रीम बेस्ट है, आप वो ट्राई कर सकते हो। यस, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।